टॉक्सिक सेक्सुअल रिलेशनशिप क्या होती है, लड़का लड़की एक दूसरे को छोड़ क्यों नहीं पाते हैं, साथ में रहना तभी तकलीफ है, साथ में भी रहते नहीं है, झगड़ा करते हैं, ये क्या बात है, ऐसा होता क्यों है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या होता है कि सेक्सुअल केमिस्ट्री होती है, एक कंसेप्ट है सेक्सुअल केमिस्ट्री। ये क्या सेक्सुअल केमिस्ट्री है? सेक्सुअल केमिस्ट्री होती है कि इसमें प्रथम दर्शनी ही, मतलब पहले मीटिंग में ही लड़का लड़की अपोजिट सेक्स वाले एक दूसरे की तरफ फिजिकली जबरदस्त अट्रैक्ट हो जाते हैं। अभी उसमें होता क्या है, देखो हमारे ब्रेन में हिप्पोकैम्पस नाम का एक ऑर्गन है। हमारे ब्रेन में पांचों इंद्रियों से इम्पल्सिस अंदर जाएंगे और पांचों इम्पल्सिस से इंद्रिय में, मतलब पांचों इंद्रियों से अंदर जब जाते हैं इम्पल्सिस, तो हिप्पोकैम्पल स्टिमुलेशन होता है। जब सेक्सुअल, मतलब हिप्पोकैम्पस स्टिमुलेशन जब होता है, हिप्पोकैम्पस क्या करता है कि टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन ये हॉर्मोन्स पैदा करता है। इसमें ये हॉर्मोन से और ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर पैदा होती है और वो सेक्सुअल डिज़ायर पैदा होने के बाद में वो ब्रेन को और स्टिमुलेट करता है और ब्रेन को स्टिमुलेट होने के बाद में डोपामिन नॉरेपिनेफ्रिन ये हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होता है। तो डोपामिन नॉरेपिनेफ्रिन उसके साथ साथ सेरोटोनिन एंडोर्फिन ऑक्सीटोसिन सब धुआंधार जब हार्मोनल सिक्रेशन चालू हो जाता है तब बहुत ही ज़बरदस्त अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ हो जाता है। फिर हमको समझते हैं कि इतना क्यों अट्रैक्शन है, दोनों को जब ज़बरदस्त ऐसा होता है, दोनों भी लड़का और लड़की दोनों भी एक दूसरे की तरफ इतना ज़बरदस्त अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सेक्सुअल केमिस्ट्री। इसमें क्या होता है कि जब ये सेक्सुअल केमिस्ट्री काम करती है तो हाथ में पसीना आना, फिर छोटी छोटी सांस लेना और बहुत तीव्र इच्छा शक्ति सामने वाले के साथ में बातचीत करना या फिजिकल होना, ये उसके लक्षण है। इसका प्रॉब्लम ये है कि यदि वो दोनों में है, लड़का लड़की दोनों भी एक दूसरे की तरफ बहुत ही फिजिकली अट्रैक्ट हो गए, सेक्सुअल केमिस्ट्री काम में आई, डोपामिन नॉरएपिनेफ्रिन टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजेन सब तरह के हार्मोन जो है धुआंधार बरसात हो रही है अंदर और अट्रैक्ट हो रहे हैं दोनों एक दूसरे की तरफ, दोनों फिजिकल हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब चालू होता है? प्रॉब्लम होता है कि जब वो एक दूसरे को पहचानना चालू करते हैं, इमोशनली कनेक्ट करना चालू कर देते हैं, विचार एक दूसरे के क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं और बाद में मालूम पड़ता है कि जमने वाला कार्यक्रम है नहीं। छोटी छोटी बात के ऊपर झगड़े, छोटी छोटी बात के ऊपर शक, इमोशनली तो बहुत अटैच है, फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है और अभी साथ में रहना तो मुश्किल, रहते नहीं है, रोज झगड़े और दूर भी नहीं जा सक रहे क्योंकि इतनी ज़्यादा वो सेक्सुअल केमिस्ट्री ने अटका के रखा हुआ है कि अभी दूर भी जाते नहीं या दूर जा सकते नहीं, तो अभी वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाती है, मतलब ना साथ में रहना ना दूर जाना। इसमें होता क्या है कि प्रॉब्लम एक ये होता है इसमें कि आप, मतलब जिसको सेक्सुअल केमिस्ट्री हुई है वो फिजिकली हुआ है, मतलब दोनों फिजिकल हुए, अब दोनों यदि फिजिकली रखना चाहते हैं और इमोशनली इन्वॉल्व नहीं चाहते हैं तो बहुत ही बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि भाई आओ साथ में रहो, फिजिकल करो, चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर यदि वो कोई आदमी, कोई व्यक्ति उसमें का, मतलब आदमी या औरत कोई भी प्रपोज करता है कि भाई लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप या इमोशनल रिलेशनशिप के लिए और दूसरे को नहीं चाहिए, तो फिर एक दूसरे को छोड़ना मुश्किल हो जाता है, या एक व्यक्ति जो जिसकी सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा फॉर्म में आ गई उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कियां हमारे पास में आती है, उनके माँ बाप लाते हैं कि भाई वो लड़के के साथ में लगी हुई है और वो छोड़ने को तैयार ही नहीं, वो लड़का बोलता है कि भाई मेरे को नहीं होना है, वो लड़की छोड़ने को तैयार नहीं, मतलब वो तो बोलते नहीं मेरे को चाहिए, वो उसको मैसेजेस करेंगी, व्हाट्सएप करेंगी, बात करेंगी, बार बार जाके उसको मतलब तंग करेंगी, वो नहीं चाहता है तभी भी क्योंकि एक बार वो फिजिकल आ गए, फिजिकल रिलेशनशिप हो गई, सेक्सुअल केमिस्ट्री इंटेंस थी, एक बार दो बार वो फिजिकल हो गए तो ये डोपामिन और उसके साथ साथ जब हार्मोन्स है ना वो चुप नहीं बैठने देते, फिर इतना वो बॉन्डिंग जबरदस्त हो जाता है कि वो छोड़ने को तैयार ही नहीं रहती है। दोनों हो गए तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, और दोनों की पटने लगी तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो शादी करेंगे, मस्त रहेंगे, खुशी से रहेंगे। मगर सिर्फ फिजिकली अट्रैक्ट हुए, विचारधारा अलग अलग है, इमोशंस अलग अलग है और फिर प्रॉब्लम है, फिर छोड़ना भी मुश्किल, रहना भी मुश्किल। और कोई प्रपोज करता है कि नहीं भाई मुझे लॉन्ग लास्टिंग में जाना है और दूसरा व्यक्ति तैयार नहीं है तो फिर भी समस्या पैदा होती है। तो ये सेक्सुअल केमिस्ट्री ये जानना जरूरी है क्योंकि हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि इतना क्या है भाई, लोग बोलते प्यार में पागल हुआ है, बहुत ही पागल है, मतलब कुछ नहीं। ऐसे हम देखते हैं लड़के लड़कियाँ की, मतलब लड़कियाँ हमारे पास में ज़्यादातर लाते हैं लोग कि भाई वो लड़का बिल्कुल ही मतलब वैगाबॉन्ड है, उसको बहुत शौक पानी है,
उसमें मतलब वो गरीब घर का है, उसके घर में रहने को भी मतलब जगह नहीं, झोपड़ी में रहता है, और हम देखो कितने अच्छे घर के, और ये लड़की उसके इसमें आए कैसी, क्या समझ में नहीं आता किसको, यानी समझने के बाहर की बातें लोग बोलते हैं। और जब समझने के बाहर की बात है, समझ जाना कि सेक्सुअल केमिस्ट्री इसमें काम में आई है। ये दोनों को जरूरी है जानना। यदि आप एकदम बहुत ही फिजिकली इंटेंस फिजिकल अट्रैक्ट हो गए बिना कुछ सोचे समझे, तो समझ जाना कि भाई सेक्सुअल केमिस्ट्री अपनी आ गई और उससे सब ये प्रॉब्लम होने वाले हैं। तो ध्यान रख सकते हैं, पहले से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि फिर बाद में अपने जीवन में प्रॉब्लम ना आए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर वो लोगों को शेयर करो, एकदम नौजवान है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स है, एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। आजकल सेक्स करना तो बहुत ही कॉमन हो गया है, मतलब सेक्सुअली रिलेशनशिप में आना बहुत ही कॉमन है। ऐसे बहुत ही कम मिलते हैं कि भाई नहीं नहीं हमने सेक्स नहीं किया, मतलब जो भी हमारे पास में आते हैं बोलते नहीं नहीं हमने किया हुआ है, ब्रेकअप हुआ है अभी, या ब्रेकअप होने वाला है, या उसके वजह से डिप्रेशन आ रहा है, जो भी कुछ है, मगर सेक्स तो हुआ ही है। काफ़ी सारे मतलब एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल, अदरवाइज तो सेक्स हुआ ही है। तो इसमें जाना जरूरी है। वीडियो आपको अच्छा लगा लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी बार हमारे पेशेंट्स ऐसा हमें पूछते हैं कि हमें सिल्डेनाफिल मतलब वायग्रा टाडालाफिल ऐसी एलोपैथी की दवाई नहीं होना, और हमें आयुर्वेदिक चाहिए। तो मैंने स्पेशली यह ब्रांड बना के लिया हुआ है हॉट स्टेमिना, तो स्पेशली मैंने बोल के बना के लिया हुआ है कंपनी के तरफ से। ये कैप्सूल है, ये 10 कैप्सूल्स है, और ये पूरा डब्बा मिलता है। तो इसमें मेनली जो है जो काम का है वो है गोल्ड है, इसमें गोल्ड मतलब सोना, शिलाजीत, मुसई, केसर एंड शुद्ध मकर ध्वज। ये हॉट स्टेमिना करके ये नाम से मिलता है। ये आपको ये चाहिए तो आप नीचे जो लिंक दी हुई है उसके ऊपर क्लिक करके आपका ये पैक आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ताकत आएंगी, विगर वाइटलिटी बढ़ेगी, जोश जुनून उत्साह आएगा। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।